अल्लाह से कहा कि ये हमारे मुल्क के भागे हुए भगोड़े लोग हैं, इनको हमारे हवाले कर दो, ये गद्दार लोग हैं, ये बागी लोग हैं, ये नया दीन नया धर्म लेकर आए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। हबशा के बादशाह ने जिसका नाम नजाशी था उसने मुसलमानों को बुलाया, मुसलमानों से कहा कि देखो ये लोग अरब से आए हैं, ये लोग मक्का से आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें इनके हवाले कर रहे हैं, तुम अपनी बात पेश करवा कर तुम क्या करते हो और तुम हमारे मुल्क में क्यों पना लेने के लिए आए हो। मेरे प्यारे भाइयों, मुसलमानों की तरफ से इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले, इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन करने वाले, इस्लाम की व्याख्या करने वाले हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला 17 साल के नौजवान, और आगे अभी अल्लाह के नबी मदीना नहीं गए, अभी अल्लाह के नबी मक्का गए, अभी मदीना के अंदर इस्लाम की दावत नहीं पहुंची है, अल्लाह के नबी अपने एक नौजवान सहाबी को जिसे दुनिया मुसब इब्ने उमैर के नाम से याद करती है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुसब इब्ने उमैर को मुबल्लिग बना के, दाई बना के इस्लाम की दावत देने के लिए अल्लाह के नबी मुसब इब्ने उमैर को मदीना भेजते हैं, और दुनिया ने देखा, आसमान में देखा, जमीन में देखा कि इस नौजवान की दावत में इतना इखलास था, इतनी मेहनत थी, इतनी लगन थी कि इस नौजवान ने अपनी मेहनत के बल पर पूरे मदीना की काया पलट। और जानते हो ये मुसब इब्ने उमैर कौन थी? मेरे नौजवान साथियों, यही तो अफसोस की बात है, आज हमें फिल्मों के हीरो और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम तो याद है, हमें दुनिया जहान की तारीख और हिस्ट्री तो मालूम है, लेकिन अपने नबी की सीरत के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, और हमें कोई बताने वाला भी नहीं है, न हमारे अंदर सीखने का जज्बा है, न हमें कोई सिखाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत मुसब इब्ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुशहाल बाप के बेटे थे, करोड़पति बाप के बेटे थे, और इतनी दौलत अल्लाह ने इनको दी थी, इतने स्मार्ट थे, इतने खूबसूरत थे, इतने हैंडसम थे कि जब ये कपड़ा पहनकर निकलते थे तो अरब के अंदर कहा जाता था, देखो मैं मुसब इब्ने उमैर जा रहा है, देखो मक्के का सबसे खूबसूरत नौजवान जा रहा है, देखो सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का जा रहा है, और इतने पैसे वाले थे कि सुबह को अलग कपड़ा पहनते थे, शाम को अलग कपड़ा पहनते थे, सुबह शाम ये कपड़ा बदला करते थे, मगर यही मुसब इब्ने उमैर जब ईमान ले आते, जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ले आते, जब कलमा पढ़ लेते हैं, इतने गरीब हो जाते हैं कि फटे पुराने कुर्ते पहनने पड़ते हैं, कहां तो महलों के अंदर जिंदगी गुजारा कर देते, आज एक खजूर की पत्तियों की बनी हुई खजूर की पत्तियों की बनी हुई मामूली चटाई पर लेटा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब मुसब इब्ने उमैर गज़वे बद्र के अंदर शहीद होते हैं, गज़वे बद्र के अंदर जब ये शहीद होते हैं तो बुखारी की रिवायत है, इनको कफनाने के लिए साहबा के पास कपड़े भी नहीं है, कफन का कपड़ा भी नहीं है, एक चादर है और वो चादर भी छोटी है, उससे इनका सर ढाका जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर ढाका जाता है तो सर खुल जाता है, सर को ढांक दिया जाता है और पैर के पास घास डाल के इनको कब्र के अंदर डाला जाता है। ये सहाबा थे, ये भी हमारी और आपकी तरह नौजवान, ऐसा नहीं कि इनके सीने में नौजवानी की का जोश नहीं था, इनके सामने औरत का फितना नहीं आया, दौलत का फितना नहीं आया, मगर मेरे प्यारे भाइयों, इन नौजवानों को अपनी जिंदगी का टारगेट पता था, अपनी जिंदगी का मकसद पता था, इन्हें पता था कि हम दुनिया में सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में सिर्फ रोजी रोटी करने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में अय्याशी करने के लिए नहीं आए, इनको अल्लाह के नबी ने बता दिया था कि ओ मेरे सहाबा, तुम दुनिया में एक मकसद लेकर आए हो, एक मिशन लेकर आए हो, और वो मिशन क्या है? वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी तौहीद के लिए पैदा किया है, अब पूरी जिंदगी को तुम्हें अल्लाह की तौहीद ही के लिए कुर्बान कर देना। अभी बकरीद का त्यौहार गुजरा, हमने और आपने अपने अपने जानवरों की गर्दन पर छुरी चलाई,
हमने ये त्योहार बड़े शौक से मनाया। पूरे हिंदुस्तान भर में ये त्योहार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया गया। जरा दुआ कर लो अपने बर्मा के उन भाइयों के लिए, जब बकरीद पर हम कुर्बानी के जानवर काट रहे थे, बर्मा के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों की गर्दनें काटी जा रही थी, जब हम अपने बच्चों के साथ बैठकर आराम से गोश्त खा रहे थे, बर्मा के अंदर हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही थी, जब अपने घरों में आराम से त्योहार मना रहे थे, वहां हमारे बच्चे यतीम हो रहे थे, हमारे मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा था। आज दुनिया में कुत्तों के ऊपर हमला होता है तो उनको बचाने के लिए कमेटियां बनी हुई है, तंजीमें बनी हुई है। आज जानवरों की हिफाजत करने के लिए और जानवरों के हुकूक के लिए लड़ने के लिए आज तंजीमें बनी हुई है, मगर हाय रे मुसलमान, तेरा खून कितना सस्ता हो गया है। आज हमारे उन रोहिंग्या मुसलमान भाइयों का खून कितना सस्ता हो गया है कि आज बर्मा की हुकूमत उनको मार रही है, गाजर मूली की तरह काट रही है। वो बेचारे बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो शेख हसीना के फौजी कहते हैं कि तुम हमारे मुल्क में एंट्री नहीं कर सकते, तुम बांग्लादेश के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। वो बेचारे इंडिया के अंदर आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत कहती है कि हम आपको अपने यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे, आप यहाँ से चले जाए। वो 14 लाख हमारे ही तो मुसलमान भाई हैं, ये अलग बात है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनसे खून का कोई रिश्ता तो नहीं है, उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, मगर हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा वो भी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, और ये कलमा, इस कलमे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों,